नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को लेकर लिया फैसला। चमकी बुखार को लेकर 12 जिलों के अस्पताल अलर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में कुछ बच्चों की चलेगी कक्षा। संजय मिश्रा ने ट्विटर पर अपने फैन को कही ये बात। लू से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें ख्याल। ट्रेन के रियल टाइम की जानकारी लेना संभव। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल और केकेआर के बीच आज का मुकाबला होगा दिलचस्प। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 490 पदों पर निकली भर्ती। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 490 रिक्त पदों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को लेकर लिया फैसला। पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सक्षमता परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से 5 बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित होने पर नौकरी जाने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। वहीं पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने के बाद शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। शिक्षक हाईकोर्ट के इस फैसले से राहत की सांस ले रहे हैं। शिक्षकों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे एचसी वर्मा के बारे में। इनका पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की रचना के लिए लोगों के बीच मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1952 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। ये एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में भौतिक विज्ञानी और प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इनका कार्य क्षेत्र नाभिकीय भौतिकी रहा है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी 2020 में सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में आज से शुरू होगा कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन। बिहार में आज से कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए भी आज से अप्लाई किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 अप्रैल है। रिजल्ट में असंतुष्ट होने या 1-2 विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com/ पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। मालूम हो कि 31 मार्च को ही बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई थी। अब कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है। चमकी बुखार को लेकर 12 जिलों के अस्पताल अलर्ट। बिहार में AES या चमकी बुखार के लिए 12 जिलों के अस्पताल को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर के साथ ही 12 जिलों के सिविल सर्जन और संबंधित मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट किया गया है। AES के मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स के वैज्ञानिक द्वारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का निर्माण किया जा रहा है। यूनिसेफ और पाथ की मदद से विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से स्वास्थ्य सचिव को मुजफ्फरपुर जाने का आदेश भी दिया गया है। यहां सिविल सर्जन के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भौतिक समीक्षा निर्धारित है। बिजली विभाग के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई कैंसिल। बिजली विभाग के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बताया जाता है कि तकनीकी कारणों से ये फैसला लिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2600 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं अब इसे तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसके बाद ऑफलाइन भर्ती ली जाएगी। 15 से 20 दिनों में इस तकनीकी बाधा को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगले महीने से भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। 30 अप्रैल से भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में कुछ बच्चों की चलेगी कक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी कुछ बच्चों की कक्षा चलेगी। डी और ई ग्रेड पाने वाले बच्चों को भी दक्ष कक्षा में शामिल किया गया है। 15 मई को इन बच्चों की विशेष परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में कमजोर बच्चों को शामिल करना जरूरी है। कक्षा 5वीं और 8वीं के कमजोर बच्चों को गर्मी की छुट्टी के दौरान पढ़ाया जाएगा। इनके लिए दक्ष कक्षा को संचालित किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से संबंध में जानकारी दी गई है। इसके आदेश के मुताबिक सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इन बच्चों के लिए कक्षा का संचालन होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में कमजोर बच्चों की कक्षा के संचालन होने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लू से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें ख्याल। लू से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखा जा सकता है। मालूम हो कि अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इस कारण उल्टी, दस्त और चक्कर आना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। लू से बचने के लिए एसी से निकलकर तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए। एसी बंद कर सामान्य तापमान होने पर ही धूप में निकलना चाहिए। धूप से आकर सीधा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। लू की चपेट में आने से बचने के लिए दोपहर में धूप में निकलने से बचना चाहिए। साथ ही शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में टाइफाइड का खतरा भी होता है। ऐसे में सड़क के पास कहीं भी पीने के पानी से बचना चाहिए। साफ पानी ही पीना चाहिए। संजय मिश्रा ने ट्विटर पर अपने फैन को कही ये बात। बिहार के संजय मिश्रा ने ट्विटर पर अपने फैन को सुनाया है। दरअसल संजय मिश्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें वो अपनी एक पेंटिंग के साथ नजर आ रहे थे। इस पेंटिंग में उनके फिल्म आंखों देखी का नाम भी लिखा है। इस पर उनके फैन ने कमेंट किया है कि आज भी आंखों देखी फिल्म को देख लेता हूं। फिल्म का मजा 1% भी कम नहीं हुआ है। फैन ने हिंदी के शब्दों में लिखने के दौरान कुछ गलती की है। इस पर एक्टर ने कहा है कि क्या लिखा है, फिर से पढ़ो और आप सभी पढ़ ले। ये ओपन लेटर है। दिल कर रहा है कि पिता की तरह कान के नीचे एक दो। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जैन मंदिर लछुआर के बारे में। ये मंदिर बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ये मंदिर एक धर्मशाला के अंदर स्थित है। इस मंदिर में भगवान महावीर की स्थित मूर्ति करीब 2600 साल पुरानी है। मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से हुआ है जो देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। इस मंदिर के आसपास का वातावरण बेहद ही शांत है। मंदिर जिस धर्मशाला में स्थित है वहाँ 65 कमरों का एक बड़ा और पुराना विश्राम गृह भी है। जैन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थली के रूप में स्थित ये मंदिर बिहार के जैन सर्किट का भी हिस्सा है। बिहार में ऊर्जा विभाग ने वसूली का कायम किया रिकॉर्ड। बिहार में ऊर्जा विभाग ने वसूली का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस बार 76% अधिक राजस्व को वसूला गया है। इसके साथ ही 15,107 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। राजस्व वसूली में ऊर्जा विभाग की ओर से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में साल 2023-24 में राजस्व की रिकॉर्ड वसूली हुई है। इस साल राजस्व वसूली में 14% अधिक की वसूली दर्ज की गई है। साल 2019 और 2020 में वितरण कंपनियों के द्वारा 85,058 का राजस्व संग्रह हुआ था। ट्रेन के रियल टाइम की जानकारी लेना संभव। ट्रेन के रियल टाइम की जानकारी आसानी से ली जा सकती है। इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ऐप का निर्माण किया गया है। ट्रेनों की जानकारी कई ऐप के जरिए ली जा सकती है, लेकिन रेलवे के आधिकारिक ऐप यानी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का प्रयोग कर भी इसका पता लगाया जा सकता है। NTES ऐप के माध्यम से सभी ट्रेनों के रियल टाइम लोकेशन का पता लगाना संभव है। इसके साथ ही नंबर 139 पर भी कॉल करके इसका पता लगाया जा सकता है। इंटरनेट में परेशानी होने पर इस नंबर के उपयोग से ट्रेन की लाइव स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नियोजित शिक्षकों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को मंत्री विजय चौधरी ने बताया सही। नियोजित शिक्षकों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने सही बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार ने कभी भी नियोजित शिक्षकों को हटाने की बात कही नहीं थी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नियमावली में ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या फेल हो जाएंगे तो वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। सरकार की ओर से उन्हें हटाया नहीं जाएगा। राज्य सरकार के एफिडेविट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर ही रहेंगे।
प्रदेश में कई जगहों पर 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बिहार के कई जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने के शुरू होने के साथ ही लू वाली हवा का प्रभाव भी शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। बारिश के होने से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तो कुछ जगहों पर 38 से 40 डिग्री तक भी जा सकता है। पटना में पेट्रोल पंप के संचालक से लाखों की लूट। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल पंप के संचालक से लाखों की लूट हुई है। गर्दनी बाग थाने इलाके के अलका कॉलोनी में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे संचालक से 34 लाख रुपए की लूट हुई है। इस दौरान अपराधियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। इसमें एक व्यक्ति की गोली लगने की बात कही गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बचाने की कोशिश में युवक को गोली लग गई है। पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बिहार में शिक्षकों के वेतन के लिए करोड़ों रुपए जारी। बिहार में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए करोड़ों रुपए को जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने 658 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से शिक्षकों के मार्च के वेतन का भुगतान किया जाएगा। बताया जाता है कि समग्र अभियान के तहत राज्य में 2,75,058 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग का बजट 2,650 करोड़ है। वहीं इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 का है। बिहार में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है। इसके बाद कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं अब 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज की लोकसभा सीट से प्रत्याशियों का नाम क्लियर हो चुका है। भागलपुर से अजित शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। मालूम हो कि अजित शर्मा भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं अब ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस इलाके में इनकी छवि कदावर नेता की रही है। वहीं तारिक अहमद को कटिहार लोकसभा सीट का विनिंग प्रत्याशी कहा जाता है। ये कटिहार से सांसद रह चुके हैं, जबकि कटिहार से मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं। ये एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में कम मुस्लिम प्रत्याशी के सवाल से भड़के शहनवाज हुसैन। भाजपा में कम मुस्लिम प्रत्याशी के सवाल से बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भड़क गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कोई राशन की दुकान नहीं है जहां पर कोटा तय किया जाता है। भाजपा सिर्फ 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हम हर जाति और धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने 1990 के दशक में राज्य की किशनगंज सीट से जीत दर्ज कर सांसद बने थे। इसके बाद वो मुस्लिम बहुल उक्त सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार बन गए थे। ये निर्वाचन क्षेत्र अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के पास है, जो भाजपा के साथ गठबंधन में है। फिलहाल जदयू की ओर से यहाँ प्रत्याशी मुजाहिद आलम ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पवन सिंह के सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कही ये बात। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हैं। सही मायने में मैं एक हिंदुस्तानी बाबू भी हूँ, क्योंकि देश भर के लोग मुझे प्यार करते हैं। इधर भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने खामोश कहा है। साथ ही पवन सिंह पर इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। टीएमसी सांसद ने मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस में शामिल हुए होंगे। हिना साहब ने राजद पर साधा निशाना। सिवान में दिवंगत नेता साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही पार्टी पर इग्नोर करने का आरोप लगाया है। हिना साहब ने कहा है कि साहिब ने जिस पार्टी को आगे बढ़ाया और सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद उन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, साहिब ने विकास की लकीर खींची है, उन पर हमें गर्व है और हम सिवान से हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा सिवान एक हो जाए, इसमें सभी की सहमति बनी रहे। हिना साहब ने साफ तौर पर राजद से अपनी नाराजगी को जाहिर की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जदयू ने अपने प्रचार सॉन्ग को किया लॉन्च। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रचार कैंपेन सॉन्ग को रिलीज कर दिया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भागीरथ बताया गया है। इस गाने के जरिए बिहार की उपलब्धियां का जिक्र किया गया है।
गाने की लाइन है कि आज के भागीरथ की करो जय जयकार, बढ़े बढ़ो नीतीश कुमार। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में गीत को लॉन्च किया है। इस मौके पर राज्यसभा से सांसद संजय झा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान LED प्रचार वाहन को भी रवाना किया गया। IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल और KKR के बीच आज का मुकाबला होगा दिलचस्प। IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल और KKR के बीच आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ये साबित करेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये कड़ी मेहनत का नतीजा था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की नजरें जीत के हैट्रिक पर बनी रहेंगी। मालूम हो कि दिल्ली की टीम ने बीते रविवार को चेन्नई की टीम को 20 रन से शिकस्त दी थी और ये इस टीम की पहली जीत थी। इस बार दिल्ली की टीम का मुकाबला KKR से है। इसके बल्लेबाजों ने 29 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया था। दिल्ली कैपिटल्स और KKR की टीम में कौन सा खिलाड़ी आपका पसंदीदा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1680 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी की रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। आज के दिन वर्ष 1903 में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1914 में भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1962 में भारत की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत ने अपना पहला वैश्विक संचार उपग्रह INSAT-1E अंतरिक्ष में भेजा था। आज के दिन वर्ष 2007 में नई दिल्ली में SAARC का 14वां सम्मेलन हुआ था। भारत में व्हाट्सएप ने लाखों अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। भारत में व्हाट्सएप ने रिकॉर्ड 76,28,000 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेटा की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। बताया जाता है कि साल 2021 के IT कानून के तहत इन अकाउंट पर बैन लगाया गया है। 14,24,000 अकाउंट पर यूजर्स की शिकायत से पहले स्वयं ही व्हाट्सएप की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। जनवरी के महीने में व्हाट्सएप को 16,618 अकाउंट के खिलाफ शिकायत मिली थी, इनमें से 22 पर कार्रवाई की गई थी। जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी में व्हाट्सएप ने 67,28,000 अकाउंट पर बैन लगाया है। जेई मेंस का एडमिट कार्ड हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अप्रैल सत्र की परीक्षा 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल को ली जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राओं को एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर भी जाना होगा। साथ ही फोटो युक्त पहचान पत्र भी परीक्षार्थी के पास होने चाहिए। वेबसाइट https://jeemain.nta.ac.in पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार के 10 जिले में रोहतास, पटना, औरंगाबाद, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और समस्तीपुर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के आभूषण या घड़ी पहनने पर पूरी तरह से रोक है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन ए है विकास रावल, ऑप्शन बी है कौशल किशोर, ऑप्शन बी सी है सैयद अख्तर हुसैन, ऑप्शन डी है अर्नब बनर्जी। इसका सही उत्तर है अर्नब बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? ऑप्शन ए मीनाक्षी सुंदरियाल, ऑप्शन बी है कौशल किशोर, ऑप्शन सी है मौसमी बसु, ऑप्शन डी है प्रदीप के शिंदे। इसका सही उत्तर है मौसमी बसु। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है बोधगया। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है सासाराम। इसका सही उत्तर है सासाराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू यादव, सुरेश कुमार, रंजीत मिश्रा, विजय कुमार मंडल, शोभानंद ठाकुर, विद्यासागर, दिवाकर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, धनंजय कुमार, ईश्वर कुमार, राम बाबू यादव, वेद प्रकाश सिंह, उमेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है,
गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।